हेलो एवरीवन, आज इस हम टॉपिक में ये जो आपके सामने जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन के बारे में हम आंसर करने वाले हैं। मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ कि इन सारे क्वेश्चंस के बारे में आपको क्यों जरूरत है। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई शेयर मार्केट, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में जानने वाले हैं और सब कुछ चीजों को डिटेल में समझने वाले हैं। आपको एक बेसिक से लेकर सब कुछ नॉलेज शेयर मार्केट के बारे में, आपको सब कुछ नॉलेज एक वीडियो में मिल जाएगा। ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है, इसको बस आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि जो कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, जहां पर अगर शेयर मार्केट के बारे में आपको अगर अभी तक एस भी नहीं पता है तो भी आप इसको समझ जाओगे। इतने सिंपल तरीके से और इतने डिटेल्स में मार्केट को बताने की कोशिश करूंगा, हर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप मार्केट में काफी टाइम से ट्रेड भी कर रहे हो तो भी कुछ टॉपिक आपको नहीं अंडरस्टैंड कर रहे तो भी आपको एक बार ये वीडियो देख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें ऐसी निकल के आए कि जो आप ट्रेड तो कर रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आई होंगी। तो इन सारी चीजों को हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाई शेयर मार्केट, ये शेयर मार्केट ही क्यों। पैसा बनाने के तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन शेयर मार्केट में ही क्यों करना है इसका पहले समझना पड़ेगा। पैसा बनाने के लिए आप कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हो, कोई कंपनी बना सकते हो खुद की, कोई कॉफी शॉप डाल सकते हो, कोई आप कार लेते हो उसको रेंट पे दे सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन फिर शेयर मार्केट ही क्यों, इसका क्या है। शेयर मार्केट में क्या होता है ना, यहाँ पर बस आपके पास अगर एक छोटा सा नॉलेज अगर गेन हो गया आपके पास, तो फिर यहां से पैसा उतना निकल पाएगा कि जितना आप उसको कभी सोच भी नहीं पाओगे। कि जैसे कि व्हाई शेयर मार्केट, इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन, जैसे कि मैंने क्या रीजन से देखा उस रीजन को बताने की कोशिश करता हूं। शेयर मार्केट ही क्योंकि अगर मैं मेरे पास यहां पर अगर 1 लाख का कैपिटल भी मेरे मार्केट में लेके आता हूं तो भी मैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पैसा यहाँ पर जनरेट कर सकता हूँ। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सीधे सीधे आते हो शेयर मार्केट में, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है ना, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हो तो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में 1 लाख का एक दिन में भी 1,50,000 तक भी प्रॉफिट को गेन कर सकते हो। मतलब आपने कितना गेन कर सकते हो, एक दिन में भी आप यहाँ पर 50% का ROI यहाँ पर आप गेन कर सकते हो, 50% का प्रॉफिट एक दिन में भी गेन कर सकते हो। ये शेयर मार्केट की पावर है, क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हो उतना ही ज्यादा यहाँ से रिटर्न मिलता है। जैसे कि सिंपल, अगर आपका कोई बिजनेस आपने सेटअप किया है, जैसे इमेजिन करो कि आपने 1 करोड़ रुपीज का कोई बिजनेस सेटअप किया है, तो उस बिजनेस से आपको पोटेंशियल कितना है, कितना पैसा जनरेट कर सकते हो, कितना यहाँ पर मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना पैसा मुझे यहाँ पर लगाना है, कितने लोगों को मुझे यहाँ पर सैलरी देनी है, इस सारी चीजों को कैलकुलेशन करने के बाद नॉर्मली एक बिजनेस आपको साल में कहीं ना कहीं 1 करोड़ का बिजनेस है जो आप कहीं ना कहीं इसका जो रिटर्न होगा आपका कहीं ना कहीं स्टार्टिंग ईयर में आपका 5 लाख का ही प्रॉफिट निकल के आएगा। इतना ही आपका प्रॉफिट रहेगा जो 5% रहेगा, इतना ही, क्योंकि 1 करोड़ का 5 लाख मतलब कहीं ना कहीं आपका 5% का ही यहाँ पर प्रॉफिट आपका जनरेट इजीली हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बिजनेस है, ये सस्टेनेबल जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट की ये पावर है, शेयर मार्केट की ये पावर है कि अगर आप यहाँ पर छोटी अमाउंट भी लेकर आते हो एंड आपने अगर आप ट्रेडर हो, आपने एक बार भी ट्रेडिंग किया है तो आपको पता होगा कि एक्सपायरी के दिन पे अगर आप मार्केट में कभी भी ट्रेडिंग करते हो तो उस दिन पे 10 रुपए का पुट कहीं ना कहीं चला जाता है 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए। मतलब क्या है, आपका कैपिटल 200% से लेकर 400% तक भी गेन कर जाता है, वो भी सिंगल डे में। ये स्टॉक मार्केट की पावर है और यहाँ पर हो सकता है, लेकिन इसके लिए चाहिए नॉलेज, इसके लिए चाहिए आपका कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग मार्केट का, साइकोलॉजी आपकी इतनी डेवलप होनी चाहिए तभी जाकर। अगर आप डॉक्टर होने के बाद अगर आपको ऑपरेशन करना है, अगर आपको ऑपरेशन करना है, किसी को बोला है कि आपको ऑपरेशन करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास पहले क्या होनी चाहिए, डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए। ये डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप ये ऑपरेट नहीं कर पाओगे। अगर कोई ये इंसान है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बस मैं आपको बताने के लिए, अगर ये इंसान है इसको अगर जीने मरने का सवाल है आपके हाथ में पड़ा हुआ है, अगर आपको इसको बचाना है तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए नॉलेज होना चाहिए। अगर ये आपके पास नॉलेज है तो ऑब्वियस सी बात है इस पर्सन को ऑपरेशन करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको आप बचा भी सकते हो या फिर इसको मार भी सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है एंड अगर आपको सीधा बोला जाता है कि जाकर इसको ऑपरेशन करो, तो ऑब्वियसली बात है ये बंदा कहीं ना कहीं मरने ही वाला, ये बचने नहीं वाला, क्योंकि इसका ये नॉलेज चाहिए इसको बचाने के लिए। वैसे ही शेयर मार्केट में भी होता है, अगर आपके पास नॉलेज है इसका गंवाने का तो फिर आप यहां से बहुत मनी जनरेट कर सकते हो। शेयर मार्केट की पावर एक अलग लेवल पे ही चलती है, जो आपके जॉब को, एक्टर की लाइफ को, डॉक्टर की लाइफ को या किसी की भी लाइफ को भी ये हमेशा कम छोड़कर ही आगे चली जाएगी। कोई अगर आप एक प्रोफेशनल पर्सन हो, जो एक प्रोफेशनल पर्सन के हिसाब से अगर आप मार्केट को सोचते हो तो आप ईयर में कितना कमा सकते हो, आपका एक लिमिटेशन है, आप एक लिमिटेशन से ज्यादा नहीं कमा सकते। आपका डॉक्टर का एक इनकम होगा, मैं मान के चलता हूं कि 1 करोड़ आप यहां पर कमा सकते हो पूरे साल में। मतलब आप एमडी डॉक्टर हो, हाईएस्ट पेड डॉक्टर हो, जहां पर आपके पास बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, तब जाकर आप 1 शेयर कमा सकते हो। अगर आप एक इंजीनियर हो,
जैसे कि मैं भी इंजीनियर ही हूँ, इंजीनियरिंग करने के बाद स्टॉक मार्केट में हूँ, तो मैं भी पर्सनली प्रोफेशनली देखा जाए तो आई एम इंजीनियर। इंजीनियरिंग मैंने एक लाइन सुनी थी कहीं से कि एक इंजीनियर इंजीनियरिंग छोड़ के बहुत सब कुछ बहुत अच्छा करता है। ये लाइन सच में मुझे भी फिट हुई है क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद, मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने कुछ साल तक जॉब भी किया, लेकिन उसके बाद मैंने शेयर मार्केट ही करना था मुझे कहीं ना कहीं काफी लॉन्ग टाइम से। तो मैंने जब मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं शेयर मार्केट में आया, काफी लॉन्ग टाइम से मैं अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं और मैं लोगों को सिखा भी रहा हूं। एंड लास्ट ईयर में मैंने 400 लोगों को सिखा चुका हूं, टोटल 400 मेंबर्स को मैंने टोटली ट्रेन किया हुआ है। एंड ये सब लोग शेयर मार्केट में काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर भी रहे हैं। आप इंजीनियर हो तो आपका कहीं ना कहीं 20 लाख का सैलरी होगा, 20 लाख से होगा, या फिर आप मैक्सिमम पकड़ लेते 40 लाख का हो सकता है, या फिर आपका 1 करोड़ भी हो सकता है। लेकिन जो आपका लिमिट है ना, ये लॉकिंग है, ये आपका लिमिट लॉकिंग है। मतलब आप यहां पर कितना भी एफर्ट लगाओ, या फिर कितनी भी एनर्जी डालो, या फिर आप कितना भी अच्छे से करो यहां पर काम, लेकिन फिर भी ये जो आपका ईयर का पैकेज है ये हमेशा लिमिटेड रहने वाला है, ये कभी गेन नहीं होने वाला। वैसे स्टॉक मार्केट में अगर आप यहां पर कुछ मनी जनरेट करते हो, जैसे कि 1 CR अगर कैपिटल आप यहां पर इन्वेस्ट करते हो, तो इस कैपिटल का यहां पर पॉसिबिलिटी है कि ये कैपिटल का आप 2 CR भी कर सकते हो, या फिर 4 करोड़ भी बना सकते हो, वो भी 1 ईयर के अंदर अंदर। ये स्टॉक मार्केट की पावर है, यहां पर कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे और कितना पैसा रिटर्न जनरेट करोगे। इसीलिए आपको शेयर मार्केट को चुनना चाहिए और इसीलिए शेयर मार्केट की आपकी जरूरत है। शेयर मार्केट में आने का और एक सिंपल सा रीजन है, हमारा जो बैंक हुआ है, अभी जो हमारे बैंक है, ये बैंक का जो अभी का जो सेविंग का जो रेट चल रहा है, आपके अकाउंट का जो सेविंग का रेट चल रहा है, वो चल रहा है कहीं ना कहीं 4% के आसपास आपको पूरे साल का चल रहा है। पूरे साल का आपको ये इतना रिटर्न जनरेट हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, ओनली 4% आपका जनरेट हो रहा है। अगर आप आपका FD का रेट कर लो, जो फिक्स डिपॉजिट आपका रेट होता है, वो रेट अभी 7% के आसपास आ चुका है पर ईयर का 7%। मतलब ये रेट भी ऑलरेडी डाउन हो चुका था, 5% पे चला गया था, लेकिन वही अभी ये 7% के आसपास चल रहा है। अगर आपका कैपिटल 1 करोड़ है तो आप पूरे साल में ओनली 7 लाख रुपए जनरेट करने वाले हो सेविंग अकाउंट से। तो सेविंग अकाउंट का जो रेट है वो बहुत ज्यादा नीचे ड्रॉप आउट हो चुके, तो हमें शेयर मार्केट को चुनना ही पड़ेगा क्योंकि इसके सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको कैपिटल को बहुत ज्यादा अच्छे से बढ़ाना है, तो अगर आपको आपका कैपिटल बहुत ग्रोथ करना है, हाईएस्ट ग्रोथ करना है, तो आपको शेयर मार्केट के ऑप्शन के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन यहां पर आपका कैपिटल डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 गुना होगा, 10 गुना होगा, ये किसी को नहीं पता और किसी को कोई सोचना भी नहीं चाहिए। हमें एक सस्टेनेबल पैसा बनाना है जो मार्केट में इजीली बन भी जाएगा, लेकिन उसके लिए नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा। अभी हम देखने वाले कि व्हाट इज मीन बाय इंडेक्स, इंडेक्स क्या होते हैं, इसका क्या मीन होता है, इसको समझने के पहले हम एक चीज को देखते हैं, एक्सचेंज क्या होते हैं, क्योंकि एक्सचेंज बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। इस एक्सचेंज को पहले समझते हैं। आप सबको पता ही होगा कि एक्सचेंज हमारे पास 2 एक्सचेंज है। हमारे पास पहले भी और एक्सचेंज हुआ करता था, जो कोलकाता एक्सचेंज हुआ करता था, वो ऑलरेडी बंद हो चुका है। अभी हमारे पास 2 ही एक्सचेंज है। अब 2 एक्सचेंज में हमारे पास 2 एक्सचेंज में भी पहला, उसके पहले कौन सा एक्सचेंज हुआ करता था, वो हुआ करता था BSE, ये पहले एक्सचेंज हुआ करता था। अब दूसरा है हमारे पास है NSE। अब ये क्या है, ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है, ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एंड ये क्या है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब इन दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्टॉक्स लिस्टेड है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। इसमें सबसे ज्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है मार्केट में। अब हमने क्या देखा कि एक्सचेंज कौन से है, 2 एक्सचेंज है हमारे पास। अब इस एक्सचेंज में काफी सारी चीजें चेंजेस हो जाती है, मैं उसके बारे में बता देता हूं आपको। अब जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 30 कंपनीज है, ये जो टॉप 30 कंपनीज है, इनका ग्रुप को हम बोलते हैं सेंसेक्स। इनके ग्रुप को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंसेक्स बोलते हैं। एंड जो NSE है, NSE की जो टॉप 50 कंपनीज है, NSE की जो टॉप 50 कंपनीज है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं निफ्टी 50। अब देखो, मैं पहले आपको ये तो बता दिया, अब मैं ये बता देता हूं कि टॉप 50 कंपनी और निफ्टी में क्या होता है। हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम जब भी कुछ बातें सुनते हैं मार्केट में, क्या बोलते हैं, मार्केट नीचे गिर गया, मार्केट ऊपर आया, हम क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। कोई पर्टिकुलर स्टॉक का नाम नहीं लेते हम, या फिर कोई नहीं बोलते कि एशियन पेंट गिर गया, ये गिर गया, हम क्या बोलते हैं, मार्केट गिर गया। अब मार्केट किसको बोला जाता है, अब देखो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनीज यहां पर लिस्टेड है, काफी सारी कंपनी लिस्टेड है यहां पर, तो क्या पूरी कंपनीज को ट्रैक करना डिफिकल्ट है हमारे लिए, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि मार्केट गिर गया। तो मार्केट गिर गया क्या इसका मतलब है, इसका मतलब है कि निफ्टी 50 की जो टॉप 50 कंपनीज है उनमें गिरावट आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये गिरावट कहां दिखा जाएगी, ये गिरावट दिखा जाएगी NSE में। वैसे ही कि अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर स्टॉक्स में गिरावट आ गई, अब इन दोनों एक्सचेंज में जो काफी सारी कंपनीज है, काफी सारी कंपनीज, अब ऐसा मान के चलो कि 70-80% कंपनीज है, ये दोनों में भी लिस्टेड है, इन दोनों में भी लिस्टेड है, BSE में भी लिस्टेड है,
एंड एनएससीबी में लिस्टेड है। अब दोनों साइड में लिस्टेड होने की वजह से अगर इनमें गिरावट आ गई तो ऑब्वियसली बात है बीएससी में, आपको बीएससी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी दिखेगा, एनएससी में दिखा, ये तो दोनों एक्सचेंज हो गए। यहां पर हमने क्या देखा है, टॉप 30 कंपनी सेंसेक्स दिखेगा। अब सेंसेक्स में भी गिरावट दिखेगी एंड निफ्टी 50 में भी गिरावट दिखेगी। तो इसीलिए हम जब भी बोलते हैं तब बोलते हैं कि मार्केट गिरा गया, मार्केट में फॉल आ गया, या फिर मार्केट में चढ़ाई आ गई, या फिर मार्केट बढ़ गया है, ये जो चीजें बोलते हैं इसकी वजह से बोला जाता है। मैं इसको थोड़ा सा यहां पर कर देता हूं ताकि आपको मैं और अच्छे से समझा पाऊं। अब टॉप निफ्टी की 50 कंपनीज कौन सी होती है, अब निफ्टी क्या बोला जाता है, हमने यहां के बोले टॉप 50 कंपनीज, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निफ्टी। अब इसका नाम दिया गया था निफ्टी एंड ये ऊपर से आया 50, इसीलिए टोटल नाम क्या निकल के आया, ये नाम निकल के आया टॉप निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 में कौन सी कंपनीज होती है, जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है अपने सेगमेंट में, मतलब जैसे कि हिंदुस्तानी यूनिलीवर, हिंदुस्तानी और एफएमसीजी सेक्टर का लीडर स्टॉक्स है। एंड जैसे देखा जाए फिर आपका दूसरा कौन निकल के आता है, आपका ऐसे सारे रिलायंस, रिलायंस अपने सेक्टर का बाप है, तो रिलायंस निफ्टी के सारे स्टॉक, ऐसे जो सारे अच्छे स्टॉक्स है, जैसे कि मैं आपको कुछ स्टॉक्स के नाम लिख देता हूं फिर आपको पता चलेगा, रिलायंस, फिर आएगा आपका एचडीएफसी लिमिटेड, फिर आएगा आपका एचडीएफसी बैंक, ये दो स्टॉक्स है एक ही कंपनी के, एचडीएफसी स्टॉक्स, फिर आएगा आपका रिलायंस में एचयूएल हिंदुस्तान लिवर, फिर आएगा आपका इंफोसिस, फिर आएगा इंफोसिस, ऐसे करते करते आपको बहुत सारे, जैसे फिर आईसीआईसीआई बैंक, ये भी स्टॉक इसमें निकल के आएगा, कोटक बैंक, फिर आपका आईटीसी, ये सारे स्टॉक जैसे एलएनटी लार्सन एंड टुब्रो, ऐसे जो सारी कंपनीज है ये निफ्टी के टॉप में है, मतलब ये निफ्टी के बहुत हेवी वेटेज है। तो इन कंपनीज को हम बोलते हैं जो टॉप की कंपनीज है, निफ्टी 50 के जो टॉप कंपनीज है इसमें भी निकल के आता है कि निफ्टी क्या आता है, टॉप 10 निकल के आएगा, ये जो कंपनीज है इनका ग्रुप होता है टॉप 10 में निकल के आएगा। ये देखने की हमें ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन बस इतना ही समझो कि निफ्टी के जो कंपनी स्टॉप है, जो निफ्टी में अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनको हम बोलते हैं कि निफ्टी 50 जो अच्छा परफॉर्म है। इसीलिए दो स्टॉक्स मैंने बताया, दो एक्सचेंज मैंने बताया, पहले आपको बीएसएल एनएससी, उसके अंदर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो 30 कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है उनको हम बोलते हैं सेंसेक्स, एंड एनएससी में जो टॉप 50 कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है उसको ग्रुप को हम बोलते हैं निफ्टी 50। तो आपको ये तो आइडिया आ गया कि व्हाट इट मीन बाय इंडेक्स क्या होते हैं, एंड इंडेक्स में कौन से एक्सचेंज आते हैं, एंड एक्सचेंज में कौन सी कंपनीज आती है, एंड एक्सचेंज के बाद टॉप 50 कंपनीज को क्या बोला जाता है, टॉप 30 कंपनीज को क्या बोला जाता है, ये आपने यहाँ पर इजीली देख लिया। बस आपको इतना ही समझना है अभी के लिए, क्योंकि एक दिन में ज्यादा समझिएगा तो डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। आपको सिंपल सा इतना ही समझना है कि एक्सचेंज में दो आते हैं, एक क्या आता है, एक आता है एनएससी, एक आता है बीएससी, ये दो एक्सचेंज आ गए। इन दोनों एक्सचेंज में सिंपल आपको देखना है, इसमें जो टॉप 50 कंपनीज का ग्रुप है उसको हम बोलते हैं निफ्टी 50 सिंपल, एंड फिर बीएससी की जो टॉप 30 कंपनीज आती है इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम सेंसेक्स, सिंपल। इतना ही आपको समझना है, एक्सचेंज में दो, निफ्टी 50 टॉप के 50 कंपनीज, टॉप के 30 कंपनीज, निफ्टी 50 एंड द सेंसेक्स, दिस इज दैट्स इज ऑल। ये दो मेजर इंडेक्स है हमारे लिए जिसको हम मार्केट को समझने के लिए यूज आउट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि शेयर मार्केट से पैसा कमाया कैसे जा सकता है, हाउ टू अर्न फ्रॉम द शेयर मार्केट। ये देखो सिंपल सा फंडा है, कैसे पैसे बना सकते हैं, एक सिंपल फंडा। आप एक कार डीलर हो तो आप पैसे कैसे जनरेट करोगे, आप एक कार परचेस करोगे, उसकी वैल्यूएशन होगी 5 लाख की, अगर इसकी कोई वैल्यूएशन है। आप क्या हो, आप डीलर हो, तो आप क्या करोगे, इस कार को 5 लाख में खर्चा करोगे एंड ये 5 लाख में परचेस करोगे एंड ये कार को आप आगे सेल करोगे 6 लाख में। तो आपने पैसे कैसे जनरेट कर लिए यहां से, कि आपने डीलरशिप से पैसे जनरेट कर लिए, क्योंकि आपने ये कार परचेस कर ली डायरेक्ट, क्या कहिए, ओनर से परचेस कर लिया एंड यही ओनर से आपने डायरेक्टली सेलर को बेच दिया। आप क्या इसके बीच में बने, आप बने यहां पर ब्रोकर बने एंड आपने यहां से पैसा जनरेट किया। आप स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे जनरेट कर सकते, स्टॉक मार्केट से कैसा पैसा बनाते, यहां पर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के दो रास्ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और इजी रास्ता होता है यहां पर इन्वेस्टिंग करके पैसा बनाना। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर दो चीजें निकल के आएगी, क्या आएगी, एक होता है इन्वेस्टिंग जहां पर हम इन्वेस्ट करके और पैसा बनाने की कोशिश करते, दूसरा होता है यहां पर हमारा ट्रेडिंग। दूसरा हमारा रास्ता है ट्रेडिंग से पैसे बनाए जा सकते हैं, फिर इन्वेस्टिंग बनाए जा सकते, लेकिन दोनों रास्ते में भी कहीं ना कहीं रिस्क दोनों में भी है
एंड प्रॉफिट दोनों में भी बन सकता है, लेकिन कौन कैसा पैसा बनाता है ये सारी चीजों को समझते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे जो मेंबर्स है, हमारे जो घर के फैमिली मेंबर्स है या फिर हमारे आजू बाजू में जो लोग है, जो पुराने थोड़े लोग है, वो नॉर्मली क्या करते थे, वो नॉर्मली पहले क्या करते, इन्वेस्टिंग के लिए क्या करते थे, वो पहले गोल्ड परचेस किया करते थे। अब गोल्ड का रेट अगर आप उनके जमाने में देखोगे तो क्या करते थे, वो गोल्ड परचेस करते थे। जैसे कि मेरे बचपन में मैंने देखा है कि गोल्ड का रेट हुआ करता था 4000 रुपीज हुआ करता था गोल्ड का रेट। आज वही गोल्ड का रेट चल रहा है 56000 चल रहा है। मतलब इसका कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन रेट की वजह से इसका भी रेट बढ़ गया एंड ये रेट हाई होने की वजह से यहां पर भी हमें इजिली प्रॉफिट हो गया। अब इन्वेस्टिंग ये टाइप की भी इन्वेस्टिंग हुई, क्यों हुई, क्योंकि गोल्ड हमने परचेस किया था 4000 से, आज का रेट 56000 बढ़ रहा है, तो आपका पैसा कई गुना बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया। वैसे ही शेयर मार्केट में हम कैसे पैसे बनाते हैं, यहां पर हम कोई स्टॉक्स को परचेस करते हैं, उस स्टॉक से हम पैसा जनरेट करने की कोशिश करते हैं। आपने रिलायंस को बाय किया यहां पर, अब ये रिलायंस आगे चलकर अगर ये रिलायंस 250 का हुआ करता था, जैसे मैं मार्केट को देख रहा हूं 250 का हुआ करता था, 250 से लेकर अब ये रिलायंस मैं एक नॉर्मल प्राइस लेके चल रहा हूँ 2200 रुपीज का अभी कॉस्टिंग चल रहा है। मतलब ये जो कॉस्टिंग है ये कई गुना यहाँ पर पैसा बन गया मार्केट में, कई गुना यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये पैसा इस तरीके से शेयर मार्केट में बनता है कि आप यहाँ पर कंपनी की कुछ हिस्सेदारी परचेस करते हो। जैसे कि अगर आपने रिलायंस में ये 2000 के प्राइस पे अगर आपने रिलायंस में 100 क्वांटिटी अगर आपने बाय कर ली तो आपने उस कंपनी की कुछ हिस्सेदारी परचेस कर ली होता है कि ओनरशिप आपने परचेस कर ली है। एंड ये कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी, मतलब जैसे सोचो कि ये कंपनी का जो पहले बिजनेस हुआ करता था वो ओनली 5 करोड़ का बिजनेस था, ईयरली इतना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही थी, अब वही कंपनी 250 करोड़ का बिजनेस जनरेट कर रही है पर ईयर, 250 करोड़ का जनरेट कर रही है। मतलब आपका जो शेयर का प्राइसिंग है वो 250 रुपए से बढ़कर आप चला गया 2200 रुपीज पे। ऐसे तरीके से शेयर मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है, तब उसकी पैसे की वैल्यू बढ़ती है, उसको शेयर मार्केट में आप इजीली इस तरीके से पैसे बनाए जा सकते हैं। अब शेयर मार्केट से पैसा बनाने के चक्कर में ना दो चीजें यहाँ पर होती रहती है। जैसे मैंने आपको इन्वेस्टिंग बोला, इन्वेस्टिंग में क्या होता है, इन्वेस्टिंग में कि आप यहाँ पर 10 ईयर का गोल लेके आते हो, यहाँ पर आप 10 साल का गोल लेके आते हो, इस 10 साल के अंदर अंदर आप सोचते हो कि मैं यहाँ पर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करूंगा एंड इस 10 साल के यहाँ पर मुझे अगर यहाँ पर 10 साल के अंदर अंदर ये कैपिटल मुझे अगर अच्छा कर जनरेट करके देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बैंक पूरे साल में मुझे एफडी का रेट अगर मुझे 7% मिल रहा है तो ये 10 साल के अंदर अंदर 70% मेरा रिटर्न हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो जाएगा क्योंकि 10 साल का मैंने पीरियड लिया हुआ है। लेकिन अगर ये पैसा मैंने मार्केट में 10 लाख इन्वेस्ट किया तो ये 10 लाख के अगर कोई कंपनी अगर कितना अच्छा परफॉर्म करती है उसके ऊपर आपका पैसा बढ़ेगा। जैसे कि अगर आप रिलायंस का देखते हो, आप इंफोसिस का लेते हो या फिर आप विप्रो का लेते हो एग्जांपल, तो उसकी वैल्यूएशन आप देखोगे तो अगर आपने काफी टाइम पहले बहुत बोला आपने सुना होगा, अगर आपने 1 लाख का भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो भी उसके आज 1 करोड़ रुपीज बनते, ये आपने बहुत बार सुना भी होगा कई सारे एग्जांपल में। तो इसी तरीके से शेयर जितना बढ़ेगा वो 10 टाइम्स हो जाता है, कई बार 20 टाइम्स भी हो जाता है, कई बार आपका 30 टाइम्स भी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट में मोमेंटम कितनी आएगी, फिर मार्केट में आपका शेयर कितना अच्छे से बढ़ रहा है, इसके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर ऐसा फंडा होता है कि आप कोई 10 शेयर यहाँ पर बाय करते हो, 10 कंपनी के शेयर आप ये बाय करते हो, उसमें से आपके 7 शेयर भी अगर अच्छा परफॉर्म करते तो भी आप यहाँ पर बहुत अच्छा मनी जनरेट करते हो, एंड 3 शेयर अगर आपके अच्छे नहीं चले, अगर लॉस में भी गए तो भी ये बचे हुए 7 शेयर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देते। तो इन्वेस्टिंग से इस टाइम से पैसा बनाया जा सकता है। अब दूसरा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है ट्रेड। अब देखो ट्रेडिंग का ही मतलब होता है कि यहाँ पर आपको मार्जिन यूज करना। मार्जिन का क्या मतलब होता है, सिंपल कि अगर आप 1 लाख का यहाँ पर मार्केट में कैपिटल को यूज करोगे तो इस 1 लाख पे आपको पता होगा मार्जिन कितना मिलता है, आपका मार्जिन कहीं ना कहीं आप 5 लाख तक का भी यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। मतलब 1 लाख पे आपके पास कितना है, 1 ही लाख है, लेकिन आप जब ट्रेड करते हो मार्केट में तब आप 5 लाख का माल उठा लेते हो, जैसे कि मार्जिन ले लिया। यही होता है ट्रेडिंग में ज्यादातर करके। लेकिन ट्रेडिंग में लोग ज्यादातर क्यों आते हैं और इन्वेस्टिंग में क्यों नहीं आते, यहां पर मैं चीजों को समझा देता हूं। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हो, सीधे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करता हूं फिर आप बहुत जल्दी रिलेट कर पाओगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर कोई आप कॉल यहां पर परचेस करते हो तो उस कॉल की प्राइस अगर 100 रुपीज है तो ये बाय करने में कितना चाहिए आपके पास, कितना कैपिटल लगता है इसको बाय करने के लिए, 5000 से लेकर 10000 तक मैक्सिमम आपको एक कॉल की प्राइसिंग लगती है। 100 रुपीज की प्राइस हो या फिर 400 रुपीज की प्राइस हो, नॉर्मली आपको 5000 से 10000 के अंदर अंदर आपको एक कॉल परचेस करने के लिए मिल जाता है। वही कॉल अगर आप एक्सपायरी के दिन पे आते हो तो आपको 500 रुपीज में एक कॉल मिल जाता है, 500 रुपीज के 2000 भी बन जाते हैं।
इसीलिए हम क्या सोचते, अगर मुझे यहां पर 10 साल में 10 लाख का मेरा अगर ओनली यहां पर 20 लाख ही होने वाला है, तो जस्ट मैं सोचता हूं कि मैं 10 साल क्यों वेट करूं, मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं ट्रेडिंग में। अब मैं ट्रेडिंग में जब भी आता हूं तो 10,000 मेरा अगर मैं कैपिटल, जस्ट इमेजिन मैं 10,000 कैपिटल यहां पर अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो इस 10,000 का एक दिन में भी ये 10,000 का 5,000 बन जाता है। तो हमारा माइंड क्या बोलने लगता है, अरे 10 साल में मेरा 20 लाख बना, मतलब मेरा कैपिटल ओनली डबल हुआ मेरा कैपिटल, वो भी 10 साल में। लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग में देखा जाए तो 10,000 का मैंने 5,000 बना लिया, वो भी सिंगल डे में। तो इसीलिए हम ज्यादातर करके ट्रेडिंग में ज्यादा हमारा झुकाव रहता है, ना कि इन्वेस्टिंग में। लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी, बहुत ज्यादा मार्केट का अंडरस्टैंडिंग अगर होगा तभी ये पैसा बनाया जा सकता है। अब इन दोनों में डिफरेंस यही है कि यहां पर आपका कम नॉलेज के साथ भी पैसा गेन हो जाएगा, क्योंकि मार्केट का इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा, मार्केट धीरे 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 ऊपर ही जाएगा। अगर आप निफ्टी का भी पकड़ के लेते हो तो निफ्टी ने पूरे लाइफ अभी तक 15% का रिटर्न दिया है, निफ्टी ने पूरे 15% का रिटर्न दिया, मतलब आपने कुछ भी नहीं किया होगा तो भी 15% आप कमा जाओगे इन्वेस्टिंग में। लेकिन ट्रेडिंग में आपको जो डिसीजन लेना होता है वो बहुत जल्दी लेना होता है, बहुत फास्ट तरीके से लेना होता है। तो पैसा मार्केट में कैसे बनाया जा सकता है, दो टाइप से बनाया जा सकता है, एक तो इन्वेस्टिंग से, एक तो ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग में भी और एक पार्ट आता है, दो आते हैं, क्या आता है, एक आता है इंट्राडे और दूसरा आता है स्विंग ट्रेडिंग। अभी स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ये चीजें के लिए मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, वो वीडियो आपके लिए पोस्ट आउट हो जाएगा, उसको आप देख लेना, आपके लिए काफी सारी चीजें हो जाएगी। तो हमने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया कि शेयर मार्केट से पैसा कैसे बनाया जा सकता है। हेलो गाइस, अभी तक यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा होगा तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने की वजह से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि इसीलिए ये वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का टॉपिक कंप्लीट करते हैं और वहाँ पर बाकी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट 2 दिन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपने अगर देखा होगा तो लाइक अच्छा लगा होगा, तो नेक्स्ट वीडियो हम सीधे चलते हैं और वहाँ पर बाकी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे।